हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 बेस्ट एंड तगड़े गेमिंग फोन अंडर 25,000। अगर आपको फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन का मजा लेना है देन मेरे हिसाब से 25,000 का प्राइस सेगमेंट एकदम परफेक्ट है। वैसे इस प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट सभी स्मार्टफोन अच्छे नहीं होते एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं होते, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे किसी बेकार स्मार्टफोन पर खर्च करो। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने इन चारों फ़ोन को चुना है। जो फोन मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको तगड़े लेवल की गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 870 का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा, बड़ी बैटरी, 120 वाट का सुपर डार्ट चार्जर, 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 8GB का बड़ा रैम, 256GB का बड़ा स्टोरेज, 128 का हाई रिफ्रेश रेट, इसके साथ ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। हमारे लिस्ट में फोर्थ नंबर में रैंक करता है वो है IQ की तरफ से IQ Z5 5G। अगर आपको 20 से 22,000 के अंदर एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, यस गाइस, इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आप दो ही सिम लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड अलग से नहीं लगा सकते। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड वाला लॉक दिया एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। 5000mAh का बैटरी दिया एंड इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 44W का डार्ट चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 778J का 5G प्रोसेसर जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड गाइस 5,70,000 के करीब में अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन टोटल 2 5G बैंड को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट इस स्मार्टफोन का बेस्ट है, परफॉर्मेंस से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। 6.67 इंच का फुल HD+ IPS डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। गाइस पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले इसका अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके मेन वाले कैमरे में आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा और इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p के वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है वो है 24,000 रुपये। आपको 2,000 का डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा एंड 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन आपको 8128 के साथ 20,000 में देखने को मिलेगा, और अगर आपको 20,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11i हाइपर चार्ज। अगर आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग तगड़ी गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। तो फोन को अनलॉक करने के लिए साइड वाला लॉक दिया है, ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है एंड हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस भी है। मतलब कि इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके चार्जर एंड बैटरी के बारे में। तो 4500mAh का बैटरी दिया है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 120 वाट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। गाइस ये स्मार्टफोन 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। MediaTek Dimensity 920G का 5G प्रोसेसर लगा है जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर 500,000 के करीब में है। ओवरऑल देखें तो परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है। ये स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है 6.67 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको 1200 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन है। गाइस डिस्प्ले इसका एकदम टॉप नॉच का है, ब्राइटनेस, कलर, स्मूथनेस सब कुछ एकदम आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p की वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। इसके 6128 का जो प्राइस है 2700 रुपये। गाइस आपको 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास ICIC का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो। अगर नहीं है तो आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से जुगाड़ कर लो। अब अगर आपको 27,000 वाला फ़ोन 25,000 में चाहिए देन आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जुगाड़ कर पाते तो आप किसी सेल का इंतजार करो, तब ये स्मार्टफोन आपको 25,000 में आराम से देखने को मिल जाएगा बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के।
और अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी X7 मैक्स 5G। अगर आपको बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए अंडर 25 से 26 हज़ार देन आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नॉच का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, डुअल स्टोरेज स्पीकर है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट इसमें आप SD कार्ड नहीं लगा सकते। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक देखने को मिलेगा। 4500 mAh का बैटरी देने, इसको चार्ज करने के लिए 50W का इनबॉक्स चार्जर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, और जो इसका मेन कैमरा उसमें आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसके फ्रंट वाले कैमरे में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p के वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 340Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 1000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, मतलब कि जब आप इस स्मार्टफोन को आउटडोर में यूज़ करोगे तो आपको ब्राइटनेस का इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसमें लगा है ड्रैगन टेल का ग्लास प्रोटेक्शन जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के बराबर है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें लगा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का 5G चिपसेट जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और जो इसका अंतुतु स्कोर है वो 6,70,000 के करीब में है। ये स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नोच का मिल जाएगा। हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे काफ़ी इजीली लॉन्ग टाइम तक खेल सकते हो। इससे आपको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा अंडर 25 से 26 हज़ार। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 8128 का जो प्राइस है वो है 27,000 रुपये। 1000 का तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, देन ये स्मार्टफोन आपको 8128 के साथ 26,000 में देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आप अपना जो बजट उसको बढ़ा सकते हो और आपको एक बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में, और हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात का इंतजार करें, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो है पोको की तरफ से पोको F4 5G। अगर आपको बेस्ट एंड तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है ये इस प्राइस सेगमेंट में। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी रोक सकता है। डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड वाला लॉक है। इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 4500 mAh का बैटरी देने, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का डार्ट चार्जर भी है। अब बात करते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 870 का 5G चिपसेट जो कि 7nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 7,40,000 के करीब में अंतुतु स्कोर है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम हैवी लेवल वाला मिल जाएगा। हाई ग्राफिक्स वाले गेम को काफ़ी इजीली हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। ये स्मार्टफोन टोटल 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 340Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, मतलब कि आउटडोर में आपको ब्राइटनेस का इशू एकदम नहीं देखने को मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का काफ़ी तगड़ा है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो इसमें लगा है 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप, एंड इसके मेन वाले कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और फ्रंट में लगा है 20MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p के वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका ठीक ठाक है बट इसमें अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 6128 का जो प्राइस है 28,000 रुपये, और अगर आपके पास SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके 6128 वाला जो वेरिएंट है आपको 24,000 में देखने को मिलेगा, और अगर आपको 24 से 25,000 के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 4 ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 25,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।